नमस्कार दोस्तों, मैजिकल किचन बाय तिमिश्रा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही स्वादिष्ट सा नाश्ता। अगर आपके घर में दूध फट गया हो तो आप सोचते हो क्या बनाएं, आज हम उससे बनाते हैं एक बहुत ही अच्छा सा नाश्ता। उसको बनाने के लिए चाहिए 200 ग्राम पनीर, 150 ग्राम आलू, 2 हरी मिर्च, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 2 चम्मच शाही पनीर मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा तिहाई चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच नमक स्वाद अनुसार। डो बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो आटा, गेहूं का 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच अजवाइन रिफाइंड ऑयल। और यहाँ पे एक सॉस बना रहे हैं, उसको बनाने के लिए चाहिए हमें आधा कटोरी दही, 1 चम्मच टमाटो सॉस, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सबसे पहले हम अगर घर में दूध फट गया है और उसकी पनीर बनानी है तो आप नींबू डालकर इस तरीके से पनीर आप बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छी पनीर बनती है। और इस तरीके से उसको हम फोल्ड लेंगे। और यहाँ पे पनीर ये जो घर की होती है ना, काफ़ी ज़्यादा मतलब चिकनी टाइप की होती है, तो इससे आसानी से हम कुछ भी बनाए बन सकता है। और इसमें हम उबले हुए आलू डालने हैं, करीब 150 ग्राम हम इसमें आलू डालेंगे। 200 ग्राम पनीर है और 150 ग्राम हमें आलू इसमें डालने हैं। आलू को अच्छे से इसमें हम मैश करके डाल देंगे, ताकि क्या कहते हैं पनीर में बराबर मात्रा में ये अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे आप कोई भी आलू ले सकते हैं। और ये मैंने पनीर में आलू अच्छे से डाल लिए हैं। अब इसमें हम डालते हैं ऊपर से मसाले। मसालों में डालने के लिए यहाँ पे हम पहले सबसे बड़े पहले हरी मिर्च ले रहे हैं, जितना आप तीखा पसंद करते हैं आप डाल सकते हैं। साथ में इसमें हम शाही पनीर मसाला डालेंगे, आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं अशोक कंपनी का ले रही हूँ। और यहाँ पे मैंने करीब 1 चम्मच डाला है। और साथ में कसूरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा सा रंग के लिए, अच्छा लगेगा देखने में। और साथ में हम थोड़े से तीखे के लिए हम यहाँ कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं आधा चम्मच। साथ में हम यहाँ पे गरम मसाला ऐड करेंगे और धनिया पाउडर ऐड करेंगे। साथ में इसमें हम कसूरी मेथी डाल रहे हैं। कसूरी मेथी डालने के बाद इसमें हम नमक डालेंगे करीब आधा चम्मच। और इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है, ताकि सारे मसाले पनीर आलू मसाले सब अच्छे से इसमें क्या हो जाए, मिक्स हो जाए और एक इसका अच्छा सा डो तैयार हो जाए, ताकि हम इसकी फिलिंग सॉरी जो इसकी फिलिंग तैयार अच्छे से हो जाए। ये हमारी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम क्या करते हैं, इसको फिल करने के लिए सबसे पहले हमें डो की ज़रूरत है। उसके लिए हम गेहूँ का आटा ले रहे हैं और उसमें हम अजवाइन डालेंगे। अजवाइन डालने के साथ इसमें हम कसूरी मेथी, इसमें भी हम 1 चम्मच ऐड करेंगे। कसूरी मेथी से क्या होता है ना, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है जब ये गरम गरम बनता है। और साथ में हम आधा चम्मच नमक डाल लें और इसको नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। और पानी लगाकर हम एक इसका ढीला डो तैयार करेंगे। याद रखें कि अगर वो आप पराठा या कचौड़ी कुछ भी बना रहे हैं तो उसका आप ढीला डो मतलब थोड़ा सा गीला टाइप का डो आप बनाइए, तो बहुत आसानी से बनते हैं, बिल्कुल भी फटते नहीं हैं। चाहे आप उसको जितना भी बड़ा बनाइए और बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलता है। और इसका हम एक अच्छा सा डो तैयार कर लेते हैं। और जब इसको आप अच्छा सा डो तैयार करेंगे, तब इसमें हम ऊपर से 2 चम्मच हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे इसको थोड़ा सा नरम बनाने के लिए। और ये मैंने अच्छे से बना लिया। और इस तरीके का आपका जो डो होता है वो होना चाहिए। और उसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं, अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ी सी लोई लेंगे। हम एक नॉर्मल लोई जो लेते हैं रोटी के लिए, उसकी समझ लें डबल एक हमें लोई लेनी है। और इसको हल्का सा आटा लगाकर इस तरीके से लकड़ी के पीड़े पे या जो भी आपके पास हो उस पे आप इस तरीके से बड़ा कर सकते हो। और बड़ा करने के बाद इस तरीके से हम इसमें फिलिंग फिल करेंगे करीब 2 चम्मच। यहाँ पे मैं फिलिंग की मात्रा ज़्यादा रखी हूँ, ताकि जितना ही ज़्यादा अच्छा होगा उतना ज़्यादा मज़ेदार पराठा हमारा यहाँ पर बनेगा। और ये मैंने इसको अच्छे से फिल कर लिया है। और इसको हम बेलेंगे आटा लगाकर अच्छे से।
और जब ये अच्छे से बिलेगा ना, आपकी रोटी हो या पराठा हो कुछ भी हो, तभी अच्छी मानी जाती है जो बराबर आप बेलते जा रहे हो हल्के हाथों से और वो घूमती जा रही है। तो समझ लीजिए आपकी रोटी बहुत परफेक्ट बनेगी या पराठा जो भी है वो आपका परफेक्ट बनेगा। ये आज की टिप्स है ताकि आपको पता चल जाएगा कि डो हमारा अच्छा बना है। और यहाँ पे तवा हमारा गरम हो गया, उसमें हल्का सा ऑयल लगा के मैंने इसको डाल दिया है। देख सकते हैं कितना बड़ा मैंने बनाया है और ज़रा सा भी ये फटा नहीं है। अब इसमें हम हल्का सा तेल डाल देंगे, मीडियम आंच पे बना रहे हैं। जब ये हल्का सा एक तरफ हो जाएगा तब इसको हम दूसरी तरफ पलटेंगे। इस तरीके से हमें दोनों तरफ अच्छे से इसे मीडियम आंच पर पकने देना चाहिए ताकि ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन, अंदर से कुरकुरा और अंदर से बिल्कुल पूरी तरीके से पक जाए। और हल्का सा तेल ऊपर की ओर लगाकर हमें दोनों तरफ इस तरीके से पकाना है। और जब परफेक्ट पराठा होता है ना तो वो डालते ही इस तरीके से फूलने लगता है। आपको इस तरीके से ही बनाना है और ये बीच में काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा हो जाता है और साइड साइड में मुलायम। अब इसके लिए हमारा पराठा तो तैयार है। यहाँ पे सॉस के लिए मैं दही ले रही हूँ, उसमें 1 चम्मच मैंने टमाटो सॉस डाला और थोड़ा सा लाल मिर्च डाला और हल्का सा नमक डाल रही हूँ। अगर आप डालना चाहते हो तो, मैं थोड़ा सा नमक ज़्यादा खाती हूँ इसलिए मैं डाल रही हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और ये हमारा पराठे के साथ एक बढ़िया सा सॉस तैयार हो गया है जिसे आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा यहाँ पे सॉस भी रेडी है, पराठा भी रेडी है और मैंने इसको सर्व कर लिया है। और ये देखिए कितने अच्छे से इसमें पनीर सब दिख रहा है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। ये आप लोग के लिए नाश्ता बहुत ही अच्छा है, इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बताइए कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।